सफ़र मंजिल से ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, पर मेरी कोई मंजिल नहीं थी, सिर्फ पड़ाव थे। एक इंटर्न से प्रेस जर्नलिस्ट से टीवी रिपोर्टर, और अगला पड़ाव न्यूज़ एंकर। हेलो रजनी, यार अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी तुमने मुझे, 15 मिनट में लाइव जाने वाला हूँ। सर अगर वो रिपोर्ट ऑन एयर हो गई तो मेरी अगली रिपोर्ट बेकार हो जाएगी। बेकार हो जाएगी मतलब? सर एक नई अपडेट है, मेरे हाथ उस डकैत की कुंडली लगी है। व्हाट? डकैत की कुंडली? ये तो किसी दानव की कुंडली प्रतीत होती है। है किसकी ये कुंडली? वही तो आपसे जानने आई हूँ पंडित जी, जिसकी ये कुंडली है उसका नाम कौन से अक्षर से शुरू होता है? मिथुन राशि, उसका नाम क से शुरू होगा, लेकिन वो कभी भी अपने असली नाम से नहीं पहचाना जाएगा। ऐसा क्यों पंडित जी? क्योंकि वो केतु की परछाई है। केतु समझती हो ना, बिना मुंह वाली छाया। और जिसकी ये कुंडली है उसका मुंह उसकी माँ भी नहीं देख पाई होगी, जन्म देते ही मर गई होगी। और जो उसका मुंह एक बार देख ले, सोचो उसने मौत देख ली, मौत की परछाई है वो। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। गुमनामी की जिंदगी किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन किसी की गुमनामी ही उसकी शोहरत बन जाए तो वो हस्ती क्या होगी, ये जान के आप तंग रह जाएंगे। ये केस ऐसे किरदारों की एक सच्ची कहानी है जो हम जैसे आम लोग थे, औरों की तरह उनमें कमियां भी थी और खूबियां भी। लेकिन खूबियां अगर तराशी ना जाए, कमियां सही से सुधारी ना जाए, तो इंसान की प्रगति रुक जाती है। उसका व्यक्तित्व एक रुके हुए पानी के जैसा हो जाता है, जो सड़ने लगे तो गुनाहों के ऐसे अंकुर फूटते हैं जिसमें सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि पूरे के पूरे समाज का विध्वंस हो जाता है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। कल सुबह निकली थी तुम और आज सुबह लौट रही है। मेरे पापा, आप तो मेरा काम जानते हो ना कि कैसा है। हाँ, सब जानता हूँ। दिन भर इधर उधर धक्के खा के खतरे मोल लेती रहती है। पापा। हाँ योगेश। रजनी, ब्रेकिंग न्यूज है, एएसपी माहेश्वरी का मर्डर हो गया। क्या? हाँ, उनकी लाश उन्हीं की गाड़ी में उनके घर के सामने मिली है। लेकिन उन्हें तो बुधिया को पकड़ने का मिशन सौंपा गया था ना। हाँ, तो क्या बुधिया ने उन्हें भी? डकैत बुधिया, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसका आतंक आए दिन देखने को मिल रहा है। पिछले 10 साल में 100 से ज्यादा कत्ल करने वाले बुधिया ने इस बार अपना टारगेट आईएएस रैंक के पुलिस ऑफिसर को बनाया। तो अब सवाल ये उठ रहा है, क्या बुधिया को पकड़ने वाला पुलिस फोर्स में कोई है? ये हमारे मिशन का नाम होगा, मिशन परछाई। अब तक बुधिया नाम की परछाई को पकड़ने के लिए 6 मिशन फेल हो चुके हैं, और अफसोस की बात 6 मिशन तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। जैसे ही एसपी प्रदीप महेश्वरी ने इस एरिया को ज्वाइन किया, कत्ल कर दिया गया उनका। या सर, महेश्वरी सर की गाड़ी का ड्राइवर दर्शन भी गायब है सर। मर्डर से एक दिन पहले महेश्वरी सर अपनी टीम को ब्रीफ देने के लिए सुबह 7 बजे अपने घर से निकले थे, पर वो मीटिंग में पहुंच ही नहीं पाए। एम्बैरेसिंग तो ये है सर कि अपने डिपार्टमेंट में ये रूमर उड़ रहा था कि बुधिया के डर से महेश्वरी सर कहीं गायब हो गए। व्हाट रबिश, महेश्वरी बैचमेट था मेरा, अच्छे से जानता हूँ महेश्वरी। एनीवे, हमें महेश्वरी के ड्राइवर दर्शन के गायब होने की कहानी भी पता करनी हो सकता है सर ये बुधिया का इन्फॉर्मर हो। एज वी ऑल नो, बुधिया के डर से अपने डिपार्टमेंट के कई लोग इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं। इसलिए मैंने डीआईजी सर से बात करके इस मिशन के लिए कुछ सेलेक्टेड ऑफिसर रखे हैं। क्या अपडेट है बाकी सर? सर वो जतिन और रमेश ने अचानक सिक लीव ले ली। जानता हूँ, अब तक 6 मिशन में 16 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। आई नो, हम अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए कंसर्न होते हैं। एनीवे, इस मिशन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ वो पुलिस वाले चाहिए जो अपने परिवार को भूलकर इस मिशन में शामिल हो। कब तक आ रहे हैं सर? 1 घंटे में रिपोर्टिंग कर देंगे सर। तब तक उस कांस्टेबल को बुलाओ जो महेश्वरी के घर पर सिक्योरिटी पर तैनात था। सर
सब सब ये ड्यूटी कर रहे थे तुम? साहब 39 घंटे से नॉन स्टॉप ड्यूटी कर रहे थे साहब। हम आंख बंद नहीं करते तो वहीं पर ऑफ हो जाते साहब। हम मजाक समझे? एक सीनियर ऑफिसर का कातिल इतनी आसानी से भाग गया और तुम? साहब आप चाहो तो हमें सस्पेंड करवा दीजिए, लेकिन हम तो खैर मना रहे हैं कि वो हमें सोता देखकर बुधिया का आदमी हमें गोली नहीं मारा। डकैत बुधिया का खौफ चाहे जितना भी हो, लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि बुधिया का असली नाम बुधिया है ही नहीं। जी हाँ, बुधिया का असली नाम के अक्षर से शुरू होता है। मैं उसके माँ बाप, परिवार और उसके गांव की एक एक डिटेल्स आपसे जल्द ही साझा करूंगी। जिस बुधिया की फोटो तक पुलिस के पास नहीं है, उसकी फोटो जल्द ही आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। मालिक, आज तक आपको देख ही कौन पाया है और ये लड़की आपकी फोटो निकाल ली? इस लड़की ने तो मेरा भी दिमाग खोल कर रख दिया है। आप आज्ञा दे तो उस लड़की की गर्दन कटवा दूं। बस, मैंने उसकी आंखें फुड़वा दी जिसने एक बार भी मुझे देख लिया। किसी की आंख निकाल कर मार देता है, किसी की जुबान काट देता है। कई सरकटी लाशें मिली हैं जिनके मर्डर में बुधिया का हाथ माना जाता है। बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, आम आदमी। ऑन द रिकॉर्ड अब तक 151 से ज्यादा मर्डर केसेस, 72 डकैती, 67 किडनैपिंग। और कोई नहीं जानता कि वो दिखता कैसा है। पहले ऐसे कई लोगों को अरेस्ट किया गया सर, जिनको बुधिया गैंग का माना गया, लेकिन उनसे भी कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। अब हमें नए सिरे से बुधिया और उसके गैंग की एक एक इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। अब तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो लोग जंगलों में रहते हैं और उन जंगलों के ट्राइब्स के लोग उसकी शील्ड बनते हैं। हमें अपने खबरियों को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना होगा कि वो उन लोगों के साथ मिलजुल कर बुधिया और उसके गैंग की एक एक इन्फॉर्मेशन निकालें। हमें कैसे भी करके बुधिया और उसके गैंग का आतंक खत्म करना है। मालिक का फोन है, बात करेंगे। जी जी मालिक। वो रिपोर्टर क्या बोल रही है, टीवी स्क्रीन पर मेरा फोटो होगा? नहीं नहीं मालिक, ये न्यूज वाले तो मसाला भेजते हैं। आपको आज तक कोई देख पाया भला? पर मैं उस रिपोर्टर को देखना चाहता हूँ, बड़ी खूबसूरत है वो। रजनी, तू आजकल बहुत बुधिया बुधिया कर रही है, देख संभाल के, कहीं ऐसा ना हो तेरे न्यूज एंकर बनने से पहले वो तुझे मरवा दे। तू मेरी फिक्र छोड़ दे, और रही बात न्यूज एंकर बनने की, तो तू सोच ले मैं न्यूज एंकर बन गई। बन गई मतलब? मतलब ये मेरे ऊपर एक बहुत बड़े आदमी का हाथ है और उसी की वजह से मेरे पास दूसरे चैनल से ऑफर आया। मतलब अपनी प्रोफेशनल जोड़ी अब टूटने वाली है। चल वो छोड़, ये बता कि अपनी शादी के बारे में क्या ख्याल है? अरे शादी करने की फुर्सत किसे है यार। अच्छा चल मुझे निकलना है, मैं जाती हूँ। रजनी अपनी ड्रिंक तो खत्म कर यार, मेरी पार्टी कहीं और है। ये देखिए जन्म कुंडली, जन्म कुंडली के आधार पर इंसान के जन्म स्थान का भी पता लगाया जा सकता है। और मेरा अगला मिशन उसी स्थान पर जाना है जहां मैं बुधिया का असली नाम और उसका पता मालूम करूंगी। वेरी गुड, थैंक यू। सर एक मिनट। मेकअप? हाँ अंकल। योगेश, रजनी कल से घर नहीं आई है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, कहाँ है वो? अंकल मैं भी उसे काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि वो अब तक ऑफिस क्यों नहीं आई। क्या इस एरिया में है एसपी महेश्वरी का घर? जाहिर सी बात है उन्होंने एसपी ऑफिस के लिए रूट लिया होगा और एसपी ऑफिस है इस एरिया में, तो उनके घर से लेकर एसपी ऑफिस के बीच ये
ये 7 क्रॉसिंग है, मतलब एसपी महेश्वरी के साथ जो कुछ भी हुआ वो इन्हीं रास्तों पर हुआ। इन रास्तों को अच्छे से स्कैन कराओ, शायद कोई सीसीटीवी फुटेज या किसी पासर बाई से कोई क्लू मिल जाए। राइट सर। और सर, उनकी टीम के ऑफिसर ने बताया था कि उनके ज्वाइन करने के बाद उन्हें एक फेक आईडी के नंबर से थ्रेट कॉल भी आया था, और ये कॉल फालना सिटी से किया गया था। सिटी, हमें बुधिया के इसी सिटी नेटवर्क का तो पता लगाना है। ये बात पहले भी कही गई है कि बुधिया अब जंगलों में नहीं बल्कि सिटी में रहता है, और हमें कांस्टेबल दर्शन को भी नहीं भूलना चाहिए, अभी तक गायब, उसके बैकग्राउंड भी खंगाल। ओके सर। यस, कम इन सर। निर्माण विहार थाने में एक लोकल जर्नलिस्ट रजनी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई सर। कल उसने बुधिया को लेकर एक न्यूज कवर की थी, उस न्यूज में उसने बताया था कि वो बुधिया के बारे में बहुत कुछ जानती है। सर ये वो न्यूज है। डकैत बुधिया का खौफ चाहे जितना भी हो, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि बुधिया का असली नाम बुधिया नहीं है। जी हाँ, बुधिया का असली नाम के अक्षर से शुरू होता है। मैं उसके माँ बाप, गांव और उसके परिवार की एक एक डिटेल आपसे साझा करूंगी। जिस बुधिया की फोटो तक पुलिस के पास नहीं है, जल्द ही आप उसकी फोटो अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। इस लड़की की रिपोर्टिंग में कोई ऑथेंटिसिटी है? जो बात पुलिस 10 साल में पता नहीं कर पाई, कोई लड़की कह रही है कि इसके पास बुधिया की फोटोग्राफ है, और बुधिया का असली नाम के अक्षर से शुरू होता है। ए करण, रुक। क्या यार करण, तेरे तो भाव बहुत ही बढ़ गए। यार अच्छा है, जो भी कीमत मांगेगा दूंगा, बस मेरा एग्जाम तू दे दे। और हाँ, वो एग्जाम के लिए जो फेक आईडी लगेगी ना, वो मैं बनवा दूंगा। मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो पढ़ाई कर। ओ पढ़ाकू साले, जानता है तू किसको मना कर रहा है? एक रईस बाप की नालायक औलाद को। लेकिन तू मुझे खरीद नहीं सकता है। अपना साले, तुझे मैं खरीदूंगा नहीं, मैं तुझे उठा के बेचूंगा। वैलेंसी का एग्जाम क्लियर करके तेरे को जॉब चाहिए ना? बंधुआ मजदूर बनेगा तू, याद रखना मेरी बात। सर मुझे नहीं मालूम रजनी डकैत बुधिया को लेकर क्या जानती थी क्या नहीं। आपने बताया कि रजनी रिपोर्टिंग के सिलसिले में कहीं बाहर गई थी, उसके न्यूज चैनल वालों ने कुछ बताया कि वो कहाँ गई थी? सर उनसे कोई साफ जवाब नहीं मिला। मुझे लग रहा है सर उनका कोई इशू चल रहा था रजनी से। कैसा इशू? वो मुझे नहीं मालूम सर, पर रजनी बता रही थी कि वो उनका न्यूज चैनल छोड़कर कोई नया न्यूज चैनल ज्वाइन करने वाली थी। रजनी ने कभी आपसे कोई जिक्र किया था कि वो कौन सा न्यूज चैनल ज्वाइन करने वाली है? सर उसने मुझे ये भी नहीं बताया सर। सर प्लीज उसका पता कीजिए, मुझे बहुत फिक्र हो रही है सर। क्योरी कोहलिया, कौन से मिस्त्री खाकर इतना चटर पटर करती हो? कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बुधिया, नाम तो बहुत सुना होगा ना तूने। और क्या बोल रही थी तू? हैं? तेरे पास मेरा असली नाम है, तेरे पास मेरे असली फोटोग्राफ है, साला 10 सालों से मुझे सूरज नहीं देख सका और तेरे कैमरे ने देख लिया मुझे। अरे अच्छे से चेटो उसको। सर हमारा कोई इशू नहीं चल रहा था रजनी के साथ में, उसने तो यहाँ से रिजाइन भी नहीं किया, फिर वो कोई दूसरा न्यूज चैनल कैसे ज्वाइन कर दी? और आपके चैनल पे जो बुधिया को लेकर इतनी न्यूज चल रही है वो? तो सर रजनी ने जो कुछ कहा था उसके प्रूफ्स थे उसके पास में, वो काफी टाइम से लगी हुई थी बुधिया के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने में, और सारे प्रूफ्स मुझे देने भी वाली थी, फिर अचानक से उसके गायब हो जाने का पता चला। आप मानते हैं कि रजनी की बातों में सच्चाई है? हाँ सर, उसका तो ये भी कहना था कि बुधिया का असली नाम बुधिया नहीं है, कुछ और है, और वो किसी शहर में रहता है अपनी फैमिली के साथ में, जिसका शायद उसने पता लगा लिया था। पापा, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है बेटा। ये आपकी दवाइयाँ हैं, समय से ले लीजिएगा। हाँ खाना मैंने बना के रख दिया है, वो भी खा लीजिएगा। अच्छा पिताजी मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। अरे हमारी वजह से तुझे कितनी परेशानी हो रही है, तेरे इम्तिहान है,
और तुझे हमारी जगह नौकरी पे जाना पड़ रहा है। अरे पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं ड्यूटी देते समय टाइम निकाल कर पढ़ लेता हूँ। बस एक बार ये एग्जाम क्लियर हो जाए उसके बाद ना तो मैं गार्ड रहूंगा और ना ही आपको इस नौकरी पर दोबारा जाने दूंगा। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर रजनी वाकई में बुधिया के बारे में इतना सब कुछ जानती तो हमारे लिए पता करना बेहद जरूरी है कि रजनी को क्यों और कैसे गायब किया गया। सर हम रजनी के CDR क्लोजली एग्जामिन कर रहे हैं, उसका फोन दो दिन पहले SG रोड पर बंद हुआ था, हमारी एक टीम वहाँ भी इंक्वायरी कर रही है। और दूसरी बात यह सर कि रजनी कैमरामैन योगेश के साथ काफ़ी टच में थी, ऐसा सुनने में आया कि इन दोनों का अफेयर भी चल रहा था। हो सकता है योगेश रजनी और बुधिया के बारे में काफ़ी कुछ जानता हो। ला उसको। सर महेश्वरी सर के ड्राइवर कांस्टेबल दर्शन के बारे में एक बात पता चली। सर 6 महीने पहले ग्रम्पू नाम के एक हिस्ट्री शूटर को अरेस्ट किया गया था। सर जब उसे हेयरिंग के लिए ले जाया जा रहा था तब वो पुलिस कस्टडी से भाग गया था। सर उस वक्त कांस्टेबल दर्शन वहाँ मौजूद था। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ग्रम्पू को भगाने में कांस्टेबल दर्शन ने मदद की होगी? सर हो सकता है, क्योंकि सर हम भी यही मान रहे हैं कि कांस्टेबल दर्शन बुधिया का इन्फॉर्मर होगा। तो सर ये भी हो सकता है कि ग्रम्पू भी बुधिया के लिए काम करता हो। इस ग्रम्पू की एक एक डिटेल्स बताओ। सर मुझे कोई आइडिया नहीं कि रजनी का सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था। मैं तो खुद हैरान था कि वो बुधिया के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती थी। रजनी के फादर ने हमसे बताया कि रजनी कोई बड़ा न्यूज़ चैनल ज्वाइन करने वाली थी। उसने कुछ बताया था कि वो कौन सा न्यूज़ चैनल ज्वाइन करने वाली थी? सर इस बात से मैं भी बहुत हैरान था, क्योंकि वो कह रही थी कि उसके सर पर किसी बड़े आदमी का हाथ है जो उसको एक नेशनल न्यूज़ चैनल में एंकर की जॉब दिलवा रहा था। न्यूज़ एंकर? किस बड़े आदमी का हाथ था उसके सर? सर मुझे लगता है ये वो पॉलिटिशियन नरेंद्र सिंह था। एक्चुअली उसका रजनी से अफेयर था सर। हमें पता चला है कि रजनी का अफेयर तुम्हारे साथ चल रहा था, और तुम बोल रहे हो कि रजनी का अफेयर पॉलिटिशियन नरेंद्र सिंह के साथ चल रहा था। सर मैं रजनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी। सर इसी एरिया में रजनी का फोन बंद हुआ था। सर हमें यहाँ पे रजनी की स्कूटी गिरी हुई मिली है। स्कूटी का इस हाल में यहाँ पे मिला, इसका क्या मतलब हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रजनी को किडनैप किया गया? स्कूटी में कुछ मिला क्या? जी सर। सर स्कूटी की डिग्गी में ये टॉय मिला है। रजनी की स्कूटी में हमें ये टॉय मिला है, इस पे लिखा है माई बेबी। रजनी जिस बच्चे को ये टॉय देना चाहती थी, क्या आप उसे जानते हैं? सर ये तो उसकी माँ ने उसको गिफ्ट दिया था जब वो बच्ची थी। सर अपनी माँ के गुजरने के बाद वो उसे हमेशा मिस करती थी। उसकी दी हुई चीज़ उसने आज तक संभाल कर रखी सर। पर अब सर क्या हुआ उसके साथ? सर अभी ठीक से कुछ कह नहीं सकते, पर हमें ऐसा लगता है कि शायद रजनी को किडनैप किया गया है। क्या? साहब कहाँ है? साहब कहाँ है? ये इधर है, ये मेरी तरफ आ रहा है, प्लीज मुझे बचाओ। साहब इधर है। साहब कहाँ है? मुझे काट लेगा, प्लीज मुझे बचाओ, मेरे पास आ रहा है, प्लीज। किधर? मेरे हाथ खोलो। किधर है? कहाँ है साहब? किधर? पकड़ो, फिर पकड़ो उसे। ए लड़की भागी, चल 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 चल, पकड़ पकड़ चल पकड़ गो। कहाँ गई लड़की? ये वीडियो क्लिप इलेक्शन के टाइम का है सर। रजनी ने इलेक्शन में लीडर नरेंद्र सिंह के खिलाफ काफी अच्छी खासी रिपोर्टिंग की थी, और योगेश बोल रहा है कि दोनों का अफेयर चल रहा था। नरेंद्र सिंह के गुंडे मासूम जनता को डरा धमका के उनके चुनाव चिन्ह दराती पर मुहर लगाने की धमकी दे रहे हैं। उनके नारे सुन के आप चौंक जाएंगे। वो कह रहे हैं मुहर लगाओ दराती पे वरना गोली चलेगी छाती पे। ये नरेंद्र सिंह है तो काफी दबंग सर। हो सकता है रजनी को इसी ने अगवा करवा दिया, सोचा होगा कि सबको लगेगा बुधिया ने रजनी को अगवा किया। बुधिया और उसका कि अक्षय से शुरू होने वाले असली नाम का कोई कनेक्शन जुड़ा गया? नहीं सर, मैंने बुधिया से जुड़े हर केस की फाइल खंगाली है, लेकिन बुधिया या उससे जुड़े किसी भी ऐसे आदमी का नाम पता नहीं चला है जो केस से शुरू होता है। ए, कौन है? ऐसे कैसे बैठ गए? उतरो। एक क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो?
अरे न्यूज वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, इनके बोलने से जनता फैसले थोड़ी ना करती है। रजनी ने चाहे कितनी भी नेगेटिव रिपोर्टिंग की हमारे खिलाफ, लेकिन चुनाव तो हम जीत ही गए ना। चुनाव के दरमियान रजनी इतना कुछ बोल रही थी आपके खिलाफ, फिर चुनाव जीतने के बाद वो आपसे मिलती क्यों रही? काफी फोन कॉल्स भी हुए हम दोनों के बीच। देखिए ये मीडिया वाले चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, हम जैसे राजनेताओं से काफी मतलब निकालने होते हैं उन्हें अपने। तो रजनी कौन सा मतलब निकाल रही थी आपसे अपना? अरे साहब वो सब छोड़िए आप, लेकिन देखिए उस लड़की को ढूंढने में कोई भी कोताही मत बरतिएगा, आखिर वो हमारे इलाके की एक होनहार पत्रकार थी। सर रजनी की स्कूटी यहाँ से थोड़ी दूरी पर मिली थी, हम इंक्वायरी कर रहे थे तो पता चला कि रजनी ने इस होटल में एक रूम बुक करवाया था। 6 तारीख को उसने चेक इन किया और 7 तारीख की सुबह उसने चेकआउट कर दिया और 8 तारीख की सुबह रजनी के फादर ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। रजनी यहाँ अकेले आई थी या? चेक इन तो उसने अकेले किया था सर, बाकी हम CCTV फुटेज चेक कर रहे हैं। ये देखिए सर, रजनी ने चेक इन किया 7 बजे और उसके आधे घंटे के बाद ये आदमी रजनी के रूम में जाता हुआ दिख रहा है। जब ये रजनी के रूम में गया तो इसके पास कुछ नहीं था, और जब ये रूम से बाहर निकला तो ये लैपटॉप का वही बैग लेके निकला जो रजनी अपने साथ लेकर गया। इस आदमी के जाने के तकरीबन 12 घंटे के बाद यानी कि अगली सुबह रजनी अपने रूम से बाहर निकली। अरविंद होटल का जो एंट्री गेट है उस पर जो CCTV है वो फुटेज देखो। ये तो योगेश है, योगेश रजनी को फॉलो करता हुआ या होटल तक आया और फिर चला गया। सर योगेश के जाने के बाद ये आदमी यहाँ पे आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि योगेश ने इस आदमी को यहाँ पे भेजा? अगर ऐसा है तो हेलो क्या रे SP, प्रदीप महेश्वरी की मौत का खौफ भी नहीं है तेरे अंदर? कौन बोल रहा है? मौत की आवाज बुधिया, प्रदीप महेश्वरी को भी मैंने कहकर मारा था। ए, अभिमन्यु जिंदल नाम है मेरा, पता कर लेना मेरे बारे में, मैं तेरी खाली पीली धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। फिर तो तुझे मारने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो क्या रजनी को भी तूने? क्या हुआ सर, कौन था? अपने आप को बुधिया बोल रहा था। क्या? मैं नंबर ट्रेस कर रहा था सर। कोई फायदा नहीं है किशोर, अपनी टीम के लोगों को बोलो कि अलर्ट रहे, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यस सर। सर सर मैं सच कह रहा हूं, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता जो उस दिन होटल में गया था। तू रजनी का पीछा करते हुए होटल तक गया फिर वहां से लौटा है, चल क्या रहा था तेरे दिमाग में? सर 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 वो मुझे हमारे बॉस हैं राजीव सर, उन्होंने कहा था कि मैं रजनी की एक्टिविटीज मालूम करूं बस सर। एंकर राजीव धवन? जी सर। वो तुझसे जासूसी करवा रहा था रजनी की? सर वो रजनी बुधिया के बारे में बहुत कुछ पता कर रही थी लेकिन अपना सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वो सर के साथ शेयर नहीं कर रही थी, तो सर मुझे उन्होंने बोला था राजीव सर ने कि उस पर नजर रखूं, मैं सर इसके अलावा कुछ नहीं जानता। पता करो इस योगेश और राजीव धवन के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी, और उस कैब वाले आदमी के बारे में भी जल्दी बता दो। सर राजेश बोलो। सर सार्थक पूरा इलाके में एक लड़की की सरकटी लाश मिली। सर इस बॉडी पर बिल्कुल वैसे ही कपड़े जैसे रजनी ने उस CCTV फुटेज में पहने थे। उस लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो, हो सकता है वो रजनी की लाश हो। ओके सर। डकैत बुधिया की तलाश से शुरू हुआ ये केस मीडिया कर्मी रजनी द्वारा जुटाई गई कई रहस्यमय कहानियों में उलझ गया था, लेकिन रजनी की जिंदगी के कई पहलू और भी थे जो डकैत बुधिया और उसके गुनाहों से अलग थे। पुलिस हर एंगल में इन्वेस्टिगेट कर रही थी लेकिन वो सर कटी लाश रजनी की ही होगी ये DNA रिपोर्ट के बाद ही कंफर्म होना था, पर पुलिस रजनी को बुधिया के सैकड़ों विक्टिम में से एक मान के बुधिया की तलाश में जुटी थी। लेकिन बुधिया कैसा दिखता था, उसका असली नाम क्या था, उसके गिरोह में कौन कौन था, इसको लेकर पुलिस विभाग में कई भ्रांतियाँ थी जो उन्हें बार बार दिशाहीन कर रही थी। खबरी से एक टिप मिली है सर, संगम छत्ती में हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप की सप्लाई हुई। तो क्या वो सप्लाई ग्रिफू ने की?
कह नहीं सकते सर, संगम क्षति में पहले भी बुधिया के आने की खबर मिलती रही है, लेकिन वहाँ पे उसके किसी ठिकाने का पता नहीं चला है। बुधिया को लेकर पिछली इन्वेस्टिगेटिव टीम की ऑब्जर्वेशन ये है कि बुधिया ऊपर वाले में बहुत विश्वास करता है। वो हथियार खरीदने के बाद अमावस के दिन उन हथियारों की पूजा जरूर करता है। अमावस के दिन? अमावस तो आज ही है सर, हथियारों की सप्लाई और संगम क्षति में मंदिर भी। वहाँ मंदिर भी है, हो सकता है बुधिया और उसके गैंग के लोग उसी मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर में जाके एक चांस लेते हैं। हो सकता है बुधिया और उसके गैंग के लोग हथियारों की पूजा करने वहीं पहुंचे। जी सर, एक टीम तैयार करो जल्दी। ओके सर। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। जैसा कि इन्होंने बताया, इसका नाम कामराज है। अगर रजनी की इन्फॉर्मेशन को सही माने तो बुधिया का असली नाम भी के अक्षर से शुरू होता है। सर, यहाँ पे इनके पास हथियार नहीं मिला है, इनकी गाड़ी वाड़ी भी चेक की है लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। एक काम करो, इन सबके नाम एड्रेस और फ़ोन नंबर ले लो और जाने दो सबको, और इन सबको यहीं से फॉलो करो। इन सबकी एक एक डिटेल चाहिए मुझे। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर, उस सरकटी लाश का डीएनए रजनी के फादर के डीएनए से मैच हो गया। हेलो अंकल, मैं योगेश। मैं जानता हूं आप किस सदमे से गुजर रहे हैं अंकल। एक्चुअली वो राजीव सर रजनी के ऊपर एक स्पेशल शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना चाहते हैं। बस, अपनी टीआरपी के लिए तुम मेरा और मेरी बेटी के जज्बातों का मजाक उड़ाओगे? नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। मैं नफरत है मुझे तुम मीडिया वालों से। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी को खो दिया। किशोर सर, बुधिया पिछले 10 साल से क्राइम कर रहा है। पिछले 1 साल से बुधिया के नाम पर कुछ ऐसे केसेस दर्ज हैं जहां पर सरकटी लाशें फेंकी गई, जबकि 1 साल पहले तक उसके नाम पर ऐसा कोई केस दर्ज नहीं। अब सवाल यह उठता है कि यह सब 1 साल में ही क्यों? और एक बात, एसपी महेश्वरी की लाश का गला नहीं काटा गया जबकि रजनी की लाश गला काट के फेंकी गई। यह सब कुछ अजीब नहीं है? यस कमिंग सर। मैंने कामराज के बारे में पता किया, वो इंदौर में एक रेवेन्यू ऑफिसर है। सर, ऐसा लग नहीं रहा कि उसका बुधिया या उसके गैंग से कोई कनेक्शन होगा। कैब वाले आदमी का कुछ पता चला? सर फिलहाल तो नहीं, लेकिन सर रजनी के कॉल रिकॉर्ड्स में अजंता न्यूज़ चैनल का नंबर मिला है, और सर उसके फादर ने भी तो बताया था कि वो कोई नया न्यूज़ चैनल ज्वाइन करने वाली है। अजंता न्यूज़ चैनल वालों से पता करो कि क्या रजनी वाकई में वहाँ पर ज्वाइन करने वाली थी, और उस कैब वाले आदमी का पता करो जो रजनी के होटल रूम में गया था और वहाँ से उसका लैपटॉप बैग लेके गायब हो गया। ओके सर। जी मुझे स्टेट एजेंट जितेंद्र ने भेजा है, वो आपका ऊपर वाला फ्लोर का कमरा लेने की बात हुई थी किराए। अरे हाँ हाँ, आओ मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। जी आओ। जी ये कमरा है। जी मैंने पर्सनली चेक किया सर, पिछले 6 महीने में 7 सरकटी लाशों के केसेस मिले, और इनमें से 3 केसेस में रजनी लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी। ये उसके वीडियोस हैं सर, ये देखिए। बुधिया ने अब तक कई नामी लोगों के कत्ल किए हैं, लेकिन अब उसके हाथ गरीब और बेसहारा लोगों तक भी पहुंच रहे हैं। हाल ही में 3 सरकटी लाशें मिली हैं, जो सब आम लोग थे। समता नगर की शीला देवी, जो एक हाउसवाइफ थी, जमशेदपुर के प्राइमरी टीचर पीयूष वर्मा, और अभी रिसेंटली करण नाम के सिक्योरिटी गार्ड की भी सरकटी लाश मिली है। क्या ये पॉसिबल है कि करण को भी बुधिया और उसके गैंग ने? रजनी की रिपोर्टिंग से तो ऐसे लग रहा है सर। हमें इन 3 विक्टिम की फैमिली से मिलना चाहिए, क्योंकि ये बात भी कोई कम चौंकाने वाली नहीं है।
कि रजनी को भी उसी एमओ से गला काट के मारा गया है जिस तरह से इन तीनों विक्टिम्स को। 13,267 में जोड़े 7,500 तो हुए 20,767 पापा। अरे हाँ हाँ, इतना जोड़ भाग आता है हमें पापा। जोड़ भाग नहीं, सिर्फ जोड़। जोड़ का मतलब प्लस और भाग का मतलब डिवाइड। पापा मैंने आपको सिखाया था ना, आप सब भूल जाते हो। अंकल अंकल, वो एक्चुअली नल में पानी नहीं आ रहा ऊपर। वो बोल बंद होगा पापा, मैं खोल देती हूँ। ये क्या करूं? संजीव, 2 महीने पहले आपके बेटे की लाश मिली थी। आपने एक रजनी नाम की लड़की को इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद उसने कहा कि आपने बुधिया के खौफ में आकर उससे डर कर ये नहीं कहा कि आपके बेटे को बुधिया ने मारा है। नहीं सर, हमने ना ऐसा कहा, ना मैं मेरे बेटा बुधिया को जानते थे। वो लड़की तो बस वही बोली जा रही थी जो उसे बोलना था। साहब, हमने उससे बोला भी था कि हमारा बुधिया से कोई वास्ता नहीं, लेकिन उसने ये सब न्यूज में से कटवा दिया था। किस पर शक है आपको सोहन जी? किसने मारा होगा आपके बेटे करण को? साहब, मेरी बीमारी के चलते मेरा बेटा करण सोसाइटी के गेट पे गार्ड की नौकरी कर रहा था और उसका सोसाइटी में झगड़ा भी हुआ था। सर, गाड़ी पार्किंग में लगा दे। सॉरी सर, ये काम मेरा नहीं है, सोसाइटी ने मुझे सिक्योरिटी के लिए रखा है। ए, अगर मैं चाहूँ तो तुझसे अपने जूते साफ करवा सकता हूँ। माफ कीजिए सर, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे तो लगता है मेरे बेटे को रमेश ने मारा है साहब। सर, मैंने रमेश का पता करवाया, वो पिछले 3 दिन से गायब है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। पता करो उसका। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि करण के फादर का भी वही कहना है जो बाकी के दोनों विक्टिम्स की फैमिली का कहना है। लेकिन रजनी की रिपोर्टिंग साफ साफ भुरिया के खिलाफ थी। सर, कहीं रजनी इन मर्डर के केसेस का डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश तो नहीं कर रही थी? उसकी कई महीनों की रिपोर्टिंग भुरिया सेंट्री की थी और मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी भुरिया की हवा फैलाने। मतलब सर, आप कहना चाहते हैं कि तीनों केसेस अलग अलग हैं? अगर ये तीनों केसेस अलग अलग हैं भी, तो सवाल ये उठता है कि रजनी को उसी एमओ से क्यों मारा जैसे बाकी के तीनों विक्टिम्स को मारा। सर, मैंने पता किया, अजंता न्यूज चैनल से रजनी को कोई जॉब ऑफर नहीं हुआ था। लेकिन सर, रजनी ने अपनी करियर की शुरुआत उसी न्यूज चैनल से की थी। सर, वो वहाँ पे एक इंटर्न थी और एक अमन नाम के रिसर्चर के अंडर में काम करती थी। सर, ये अमन। सर, मैं इस अमन से भी मिला, अभी उस न्यूज चैनल में एडिटर है। सर, इसकी कदकाठी बिल्कुल वैसी ही है जैसा आदमी हमें कैप पहने उस होटल के CCTV में दिखाई दिया था। अरे सर, मैंने क्या किया सर? नहीं रो, चल, ये टी शर्ट और ये कैप पहन, कैटवॉक करवानी है तेरी। मैं कुछ समझा नहीं सर। सब समझ में आ रहा है तेरे, तेरा फोन होटल के उस एरिया में एक्टिव था ना, जब रजनी से मिला था तो इसी तरह की कैप और टी शर्ट पहनी थी ना तूने। सीधे सीधे बोल दे, रजनी के मर्डर से तेरा क्या लेना देना है? सर, रजनी का मर्डर मैंने नहीं किया, बल्कि रजनी तो खुद मुझे। क्या रुक, क्यों क्या बीच में बोल आगे? सर, बताता हूँ सर। सर, रजनी मुझे ब्लैकमेल कर रही थी सर। क्यों ब्लैकमेल कर रहे थे? सर, 3 साल पहले वो एज ए इंटर्न आई थी और परमानेंट होने के लिए वो मुझे फेवर देने लगी। हम दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप भी बना, फिर अचानक उसने कोई दूसरी प्रेस ज्वाइन कर ली और फिर वहाँ से छोड़ करके भी उसने एक नया न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया जहाँ वो रिपोर्टर बन गई। और सर, मैं भी अपने न्यूज़ चैनल में अच्छी पोस्ट पर था सर। फिर अचानक सर वो मुझे फोन करने लगी और अमन सर, सुना है आपके न्यूज चैनल में नए न्यूज एंकर की तलाश चल रही है। मुझे भी न्यूज रिपोर्टिंग का काफी एक्सपीरियंस हो गया है, आप चाहे तो ये जॉब। ठीक है रजनी, मैं देखता हूँ। देखना नहीं है सर, करना है। सर, फिर वो बोलने लगी, जिस दौरान हम दोनों के रिलेशनशिप बने थे उसने कुछ वीडियोज बना लिए थे और वो न्यूज एंकर की जॉब लेने के लिए वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। मैं किसी तरह उसे टालता रहा, लेकिन सर फिर अचानक उसने कहा कि उसके पास में बुधिया से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए जन्म कुंडली, जन्म कुंडली के आधार पर इंसान के जन्म स्थान का भी पता लगाया जा सकता है और मेरा अगला मिशन उसी स्थान पर जाना है।
जहाँ मैं बुधिया का असली नाम और उसका पता मालूम करूँगी। अरे वाह रजनी, तुमने तो कमाल कर दिया। वेरी गुड। थैंक यू। उसके मोबाइल लैपटॉप में वीडियोस तो क्या एक फोटो तक नहीं था सर। वो लड़की मुझे घुमा रही थी सर। मैं सच बोलता हूँ सर, उसके मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं सर। सर अगर ये अमन सच बोल रहा है और जो भी हमें रजनी के बारे में पता चला है उसे तो ये पता चलता है कि रजनी बहुत बड़ी मैनिपुलेटर थी। इसके कईयों के साथ इशू हो सकते हैं सर। और जिस थ्योरी के बारे में हम शुरू से ही सोच रहे हैं, रजनी को गायब करने में बुधिया का हाथ हो सकता है। सर मैंने रजनी का लैपटॉप चेक किया जो हमें अमन ने दिया था सर, उसमें कुंडली मिली। सर कुंडली पे जन्म स्थान शामगढ़ लिखा है और कुंडली के ऊपर कौशल नाम लिखा है। कौशल? सर कहीं बुधिया का असली नाम कौशल तो नहीं, जैसा कि रजनी बोल रही थी? हो सकता है कुंडली बुधिया की हो। कुंडली में जन्म स्थान है शामगढ़। पता करो शामगढ़ में कोई कौशल नाम का आदमी रहता है। वाह पापा, वेरी गुड, आज तो एक भी मिस्टेक नहीं। इसका मतलब अखरोट असर कर रहा है मुझ पर। हाँ पापा, लेकिन पापा अखरोट तो खत्म हो गए। तो क्या हुआ, मैं बाजार से और ले आता हूँ। अच्छा तेरे लिए कुछ लाना है? नहीं पापा। चल ठीक है, मैं अखरोट लेके आता हूँ। हाँ शामगढ़ थाने से इस कौशल का फोटो मिला है जो पिछले 10 साल से एक मर्डर केस में एब्सकॉन्डिंग है। किसके मर्डर केस में एब्सकॉन्डिंग है? जयदूत सिंह, ये पॉलिटिशियन नरेंद्र का मामा था और नरेंद्र का नाना एक ज्योतिष था। रजनी के लैपटॉप में कुंडली के साथ के अक्षर लिखा मिला। सर रजनी और नरेंद्र की फोन पे काफी बातें होती थी और ये बुधिया नरेंद्र पे दो बार अटैक भी कर चुका है। शायद बुधिया ही कौशल। हाथ में जोर नहीं है क्या? जरा दम लगा। हाँ मालिक। मालिक, यूपी के गिरोह से 1100 पिस्तौल का ऑर्डर आया है। बहुत फायदे का सौदा है। अगर कौशल ही बुधिया है तो नरेंद्र काफी राज जानता होगा, लेकिन ये राज उखलाए कैसे जाए? क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, पुलिस रेड है ये नेताजी। इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें, इस होटल के अंदर देव व्यापार होता है। देखो तुम जानते नहीं हो मैं। आप चाहे कोई भी, जरा सोचिए, अगर केस बना तो आपके नाम का क्या होगा? आखिर तुम चाहते क्या हो? थोड़ी सी जानकारी बुधिया के बारे में। देखिए कौशल और उसके परिवार से 36 का आंकड़ा था मामा का। मामा अय्याश थे, कौशल की बहन का रेप किया और उसे मार दिया, और इस सदमे में कौशल का बाप भी मर गया। कौशल ने मामा को मारकर अपना बदला पूरा किया और फिर भाग गया था, और ये कौशल ही बुधिया बन गया। कह नहीं सकते, लेकिन सुनने में आया था कि वो भागकर बागियों की गैंग में शामिल हो गया था। फिर दो बार हम पे बागियों ने अटैक किया तो हमें लगने लगा कि कहीं कौशल ही बुधिया ना हो। और ये सारी बातें आपने रजनी को बताई? वो हमारी जीत के बाद अपना फायदा उठाने के लिए हमारे नज़दीक आ गई थी। उसे हीरो बनना था और हमें बुधिया नाम का भ्रम मिटाना था, इसलिए हमने ये राज उसे बता दिया। उस कौशल की जन्म कुंडली मेरे नाना ने बनाई थी पहले, वो भी हमने उसे दे दी। इसके अलावा कुछ नहीं जानते। कौशल ही बुधिया है ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अब तक जितनी भी एक के बाद एक सरकटी लाशें सामने आई हैं और क्रिमिनल ने कोई क्लू नहीं छोड़ा, उसे यही सिद्ध होता है कि ये किसी बहुत ही शातिर आदमी का काम है। सर जहाँ लाश मिली वहां से तकरीबन 500-600 मीटर की दूरी पर एक जोड़ी जूते मिले थे और जूतों पर खून के धब्बे लगे थे। शायद वो जूते क्रिमिनल के हों। सर लाश को डंप करने के बाद वहां से भाग रहा हो, जूते का सोल निकल गया हो और वो जूतों को वहीं उतार के भाग गया हो। यस कमिन। सर खबरियों से एक टिप मिली है, फिर से हथियारों की एक डील होने वाली और इस बार भी डिलीवरी संगम क्षेत्र पर ही होगी। टीम रेडी करो। सब
माल आ गया? एकदम रेडी है। तो दिखा दे। ए धनिया, क्या लफड़ा हो रहा है ये? किशोर कुमार, रुक, नहीं तो शूट कर दूंगा। रुक, 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 रुक। साहब सच कह रहा हूं, मैं बुधिया नहीं हूं। तो बुधिया कहाँ है? बोल। सब बुधिया मर चुका है। सब सच कह रहा हूं, बुधिया मर चुका है। बोल दे सच, नहीं तो तू नहीं बचेगा, ये पक्का है। सब वो साल भर पहले हम लोगों के पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, उसमें बुधिया को गोली लग गई थी और हम लोग उसे घायल अवस्था में उठाकर अपने अड्डे पर ले आए थे, पर सब बुधिया मर चुका था। पर सब बुधिया को किसी ने देखा नहीं था, इसलिए मैं उसके नाम को जिंदा रख के उसके नाम से गिरोह चलाने लग गया। ये कौशल ही धनिया था? हाँ सब, यही बुधिया था। सब कौशल का केतु बहुत बलवान था और केतु की पूजा बुध की रात्रि को की जाती है, इसलिए वो अपने आप को बुधिया कहलाने लगा। एसपी प्रदीप महेश्वरी, उनको भी तुम्ही लोगों ने मारा था? हाँ सब। और उनका ड्राइवर दर्शन? हाँ सब, उसको भी हमने मार डाला। हमें जो इतनी सारी सरकटी लाशें मिली हैं, उन लोगों को भी तुम्ही लोगों ने मारा? हम सर काट कर नहीं मारते, हम तो गोली मारते हैं साहब। तुम्हारे आदमी धनिया ने हमें बताया कि रजनी को भी तुम्ही लोगों ने उठाया था, उसकी लाश मिली थी हमें सरकटी में। ये सारे के सारे कांड तुम सब लोगों ने मिलकर किए। पेन सर, ये जूता तो मेरा ही है, पर ये तो मंदिर के बाहर से चोरी हो गया था साहब। मंदिर से चोरी हो गया था? हाँ साहब, रजनी ने बताया कि उसने मंदिर के पुजारी को कौशल की कुंडली दिखाई थी और पुजारी ने जैसा बताया वैसा वैसा ही कौशल के साथ हुआ था। तो सब हमें लगा कि पुजारी बहुत ज्ञानी आदमी है, तो सब हमने भी पूजा करवाई थी और वही मंदिर के बाहर से ये जूता चोरी हो गया था साहब। साहब मुझे नहीं पता वो बुधिया के लोग थे, पर साहब वो अपराधी लोग ही थे। साहब मैं बहुत डर गया था, इसलिए उन लोगों के बारे में पहले आपको नहीं बता। उसके जूते किसने चुराए थे यहाँ से? वो मेरी जीजाजी के। कौन है वो? नाम क्या है उसका? नहीं, मेरी बेटी को फंसाएगा तुझको तो मैं काट डालूंगा। नहीं, 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 मुझसे आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। सब कुछ सच सच बोल, अब वो भी शुरू से। दिमाग ठस्ता साहब मेरा, सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते और इसके चलते मेरे बाप ने मेरी शादी उस ब्रिज की अपंग बहन से कर दी। मैं झेल लिया सब, बीवी मर गई वो भी झेल लिया, लेकिन बेटे की शादी करने के साथ जो भी काम करता घाटा हो जाता, दिमाग लगा ही नहीं पाता था। फिर मैंने अपने साले ब्रिज से उपाय पूछा। नरबलि। नरबलि? हाँ नरबलि, इसी के बल पर पुराने समय में रंक राजा बन गए। क्या साले साहब, मुझे अंदर करवाओगे क्या? ठीक है, फिर कोई छोटा उपाय कर लो, किसी ज्ञानी ध्यानी पराक्रमी के जूते चुरा कर ले आओ। मैं वशीकरण पूजा से ऐसा करूंगा कि उसके गुण आप में आ जाएंगे। मैं इतना हताश हो गया था साहब कि मैंने सारे उपायों को एक साथ करने का सोच लिया। मैं ऐसे लोगों की तलाश में रहता जो लोग धनी हो, पराक्रमी हो या ज्ञानी, उन्हें पटाकर अपने अड्डे पर ले आता और उनकी बलि चढ़ा देता साहब। और हाँ,
फिर उनकी खोपड़ी का मगज मैं खा लेता था। What? तू लोगों का मगज? हाँ साहब। अब तक कितने लोगों को शिकार बनाया तूने अपना? जितने जोड़ी जूते मिले हैं उनके आपको उतने ही है साहब। रजनी को भी तूने? अरे साहब, वो रिपोर्टिंग कर रही थी मेरे द्वारा मारे गए लोगों के केस की। भले वो कह रही थी कि सबको बुधिया गैंग ने मारा है, लेकिन मैं टेंशन में था साहब। मुझे लगा ये पता लगाते लगाते मुझ तक जरूर पहुंच जाएंगे। फिर एक दिन पता चला कि बुधिया गैंग के लोगों ने उसे अगवा कर लिया। लेकिन एक दिन साहब वो बुधिया गैंग के लोगों को चकमा देकर भागी और आई कहाँ? मेरे साले के शरण में। तू जूते क्यों चुराता था? क्या बुधिया गैंग के लोगों को भी मारा तूने? बुधिया गैंग को मारना मेरे बस की बात कहाँ, लेकिन मुझे उनका पराक्रम तो चाहिए था, इसलिए मैंने सिर्फ उनके जूते चुराए। किसकी लाश थी वो? रोमेश, दिमाग का डॉक्टर था साहब, बहुत बुद्धिमान। उसका दिमाग भी पैनी चट गया साहब। हीन भावना का शिकार इंसान कभी अपना हित नहीं कर पाता। राधेश्याम भी हीन भावना का शिकार था। उसमें जो कमियां थी वो अक्सर कई लोगों में होती हैं, लेकिन इन कमियों को सही से सुधारा ना जाए तो वो इतना हावी हो जाती है जो एक तरह के अतिवाद को जन्म देता है, जैसे दीमक लकड़ी को खोखला बना देती है। और जब उसमें अंधविश्वास जैसी भ्रांतियां पनपती हैं तो इंसान को होश भी नहीं रहता और वो मिथ्या कर्म कांड के नाम पे एक आतताई बन के घोर अपराधों में लिप्त हो जाता है और उसका विवेक विलिप्त हो जाता है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।